राजेंद्र राठौर ने शुक्रवार को चुरू में पीएम मोदी की जनसभा में राहुल कस्वा पर जमकर निशाना साधा, जिस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जिस प्रकार का जहर बोल रहे हैं, कल तक मैं उनका काका था, आज मैं उनके लिए कंस हो गया। चुरू लोकसभा सीट की लड़ाई काका और कंस पर आई। राठौर वर्सेस कस्वा हुआ मुकाबला, नाक का सवाल बना चुरू का चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजस्थान कई सीटों पर मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैली के बाद प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार, चुरू लोकसभा सीट का पारा हाई लेवल पर है। बीजेपी के टिकट पर दो बार सांसद रहे राहुल कस्वा के कांग्रेस के खेमे में आने के बाद कस्वा बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। चुरू से सात बार विधायक रहे बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर ने राहुल कस्वा पर सीधा हमला बोला। अब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जिस प्रकार का जहर बोल रहे हैं, कल तक मैं उनका काका था, आज मैं उनके लिए कंस हो गया। कल तक मैं उनके लिए लक्ष्मण था, आज मैं दुर्योधन हो गया। भाइयों, सावधानी बरतनी है। राजेंद्र राठौर यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल कस्वा पर एक के बाद एक कई हमले किए। राठौर ने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद से जो लड़ाई भीतर खाने चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मुन्ने नहीं पहचाना, तो ले मैं अब भी आ जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा ने भी राजेंद्र राठौर के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौर ने तारानगर विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा सांसद राहुल कस्वा पर फोड़ा था और कस्वा और उनके समर्थकों को जयचंद बताया था। वहीं राहुल कस्वा ने भी बीजेपी से लोकसभा का टिकट कटने पर व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराया था। अब देखना होगा कि चुरू में दो दिग्गजों के बीच चल रही ये सियासी जंग किस अंजाम तक पहुंचती है और जनता जनार्दन किस दल के दावों को वोट देकर मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली के बिगड़े बोल नजर आए हैं। महिला नेता के लिए आप शब्द बोले हैं। ये महिला तो चोर है, ये क्यों आई? विधायक के सामने निर्दलीय लड़ा था चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी से 50 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देखिए, चुनावी मौसम है और ये बिगड़े बोल अब लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर महिलाओं पर टिप्पणियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। राम राम साहब, पार्टी हरा यानी हरावे का है, निर्दलीय 50 लाख रुपया उससे लेकर के मैं चुनाव लड़ी है भजनलाल जाटव से। दीपक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, ये जो वीडियो सामने आया है वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली के बिगड़े बोल जिसमें नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा स्पष्ट बताइए। देखिए, ये वैर से विधायक हैं बहादुर सिंह कोहली, जो हमेशा से विवादों में रहे हैं किसी ना किसी मामले को लेकर के, और अब फिर एक बार इनके जो बिगड़े बोल हैं वो नजर आ रहे हैं। एक महिला जो कार्यकर्ता है उससे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात जो है वो की जा रही है, और इस बातचीत के दौरान जो लोकसभा के समन्वयक हैं भूपेंद्र सैनी वो भी वहां मौजूद हैं, उन्होंने ही इस मामले को शांत कराया। और ये मामला है हलेना में, जब कल भूमि पूजन हो रहा था योगी आदित्यनाथ की सभा को लेकर के, तो वहां जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंची हुई थी, और बहादुर कोहली जो बीजेपी के विधायक हैं वैर से वो भी पहुंचे हुए थे, लेकिन ऐसे में ही वो विधायक महिला को देख करके भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह तो चोर है, ये क्यों आई है यहाँ पर, को यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन बाद में मामले को शांत कराया, क्योंकि ये जो महिला है वो बहादुर सिंह के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इतना ही नहीं, बहादुर कोहली ने
महिला पर जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे 50 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। और अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इसमें जो महिला है उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।